आइए युवा कलाकार सतवीर के द्वारा आज की लीला में क्या आपको दर्शाया जाना है, किस प्रकार से, किस नियम और संयम से आपको बैठना है, क्या नियम आपको अपनाने चाहिए, चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे युवा कलाकार। हमारे नगर पालिका वाइस चेयरमैन साहब रमेश जी पोखरी का ग्राउंड में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जितने भी वॉलेंटियर आवाज सुन पा रहे हैं व्यवस्था बनाए, और इधर जो गैलरी में दीवार के साथ साथ जितने भी दर्शक बंधु खड़े हैं इन पोल्स के पास कृपया आसन ग्रहण करें। बहुत सुंदर व्यवस्था है, कुर्सियां लगी हुई है, बैठ करके लीला का आनंद लें, व्यवस्था बनाए और सुख पूर्वक लीला का आनंद लें। आइए पानी पूरी कल की लीला में देखा नारद मोह महर्षि नारद जी हिमालय के कंदराओं में हिमालय की वादियों में घूम रहे हैं और सुरसरी नदी के किनारे अनायास ही मन करता है क्यों ना भगवान का स्मरण किया जाए और नाम स्मरण में ध्यान स्थापित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। Come on.
नौजवान साथियों, पूजनीय माताओं बहनों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों और वर्तमान भविष्य नौजवान सभी का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। हमारे विशेष मेहमानों का भी आप आने पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, उनकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं सभी से आदेश नहीं बल्कि निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जो लीला आपके नन्हे मुन्ने गांव के शहर के कलाकार जो कर रहे हैं, इनको बड़े ही प्यार से देखने के लिए आते हैं आप, तो मेरे आपसे नम्र निवेदन कि आप अनुशासन से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, जितने मेरे युवा साथी आते हैं, कोशिश हो सके तो शाम का टाइम आप अपना साधन लेके ना आए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कल की घटना है कि किसी व्यक्ति की, हमारे कलाकार की बाइक उड़ चुकी थी और वो तो हमारे जो पुलिस प्रशासन के बहुत ही मुस्तैद सिपाहियों ने एंड टू एंड शायद 20 या 25 मिनट 15-20 मिनट के दौरान उसको कैच कर लिया। तो मेरा निवेदन ये कि उसे दो फायदे होंगे, एक तो आपका ये नहीं रहेगा कि मेरा साधन सुरक्षित है या नहीं है, कहाँ खड़े हैं, किस ढंग से है, दूसरा एक हमारी जगह है, मेरी भीड़ नहीं होगी। तो मेरा निवेदन कि आप साधन लेके ना आए। और नौजवान साथियों से मेरा निवेदन कि थोड़ा सा यदि जो व्यक्ति जहाँ भी लीला देखता है देखें आप, लेकिन आपके कारण कोई डिस्टर्ब न हो। तो मेरे युवा साथी जितने गैलरी में खड़े हैं, खड़े रहने की इच्छा था, थोड़ा सा प्लीज कृपा करके पीछे होने की कृपा करें। और जितने हमारे बुजुर्ग यदि युवा साथी या बच्चा चेयर पे बैठे हैं तो कोशिश करें कि उनको आप स्थान दें। तो बड़ों का मान रखें आप। इसी तरीके मेरी माता बहनों से, मेरी बेटियों से मेरा निवेदन है और मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है। तो आज की लीला का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और महत्वपूर्ण आज मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार उनका जो दृश्य सीरियल आपके समूह हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक बार जोर से जयकारा बोलिए, सच्चे दरबार की जय बोलिया, दिल से बोलिया उस परम पिता परमेश्वर को, भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को और माँ शेरावाली को मानते हो तो एक बार जोर से जयकारा बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद। अपने करो करताल के द्वारा स्वागत करेंगे सभी दानवीर सज्जनों का। 1100 रुपए ताली की आवाज आनी चाहिए, गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और ये लास्ट में जो पब्लिक खड़ी है कृपा बैठ जाए, व्यवस्था है पूरी, वॉलंटियर्स ध्यान दें। 1100 रुपए श्री ब्रह्म प्रकाश जी अहलावत SDM महोदय शिवानी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। 100 रुपए गुप्तदार गुप्तदार महाकल्याण, 1100 रुपए देखिए ताली जरूर बजाएं, ये भी सहयोग है। 1100 रुपए चंद्र प्रकाश जी सोनी, 100 रुपए
चंद्र प्रकाश जी सोनी भगवान की कथा में नाम देते हैं। 100 रुपए सीमा वैभव सोनी सोनू ठाणे वाले, 100 रुपए कालिया गैस एजेंसी। सभी जानते हैं हर रोज एक हाजिरी लगती है पिछले अनेक सालों से, तो जोर से तालियां बजाने के स्वागत करते हैं। और पुनः सभी से निवेदन है जितने भी ये दर्शक खड़े हैं कृपया बैठ जाएं और आइए, खड़ा होना तो पीछे हट जाएं, कोई बात नहीं है, थोड़ा पीछे होकर के देख सकते हैं आप स्वच्छंद, अगर रहना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। आइए जयकारे के साथ अगला दृश्य है वेदवती संवाद। रावण किस प्रकार से वेदवती देवी को कैसे क्या कहते हैं देखेंगे दृश्य के माध्यम से। जय चिंता
इतना सुंदर मन है श्री हरि, इस मन में आकर मन खुशी से झूम उठता है श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं यहीं पर रह रहा हूँ और या इस नगरी इस मन को अपने मन का भी स्थापित कर लो ये सुंदर बाला कौन है बंगाले बाल बड़े पटे हैं ये सब मिलकर किसी के चित पर प्रभाव डालने की चेष्टा करते हैं। मुझे इस बाला से चलकर इसका पता ठिकाना मालूम करना चाहिए और इस तो लंका की महाराजा रावण की पटरानी बनाने का सौभाग्य देना चाहिए। चलो जैसे भी हो देखता हूँ छल बल क्या कपट देश को लंका की पटरानी बनाने की चेष्टा करता हूँ। सुंदरी प्रेम के मंदिर में क्या वन देवी कहलाती हो या कोई इंद्र अप्सरा हो जो शहर की खातिर आती है। जो वन में जीवन है तेरा जो वन में जीवन है तेरा जो जन्म भर गवाती है सच बदला क्या नाम तेरा क्या अवसर यहाँ बिताती है। सुन कान लगाना होश गवा यहाँ भक्ति साधना काम मेरा श्री विष्णु जी का जप करती हूँ और वेदवती है नाम बहती हूँ पर्वत चोटी पर बहती हूँ पर्वत चोटी पर बस इसी में है आराम मेरा है मन की अंतिम इच्छा यही ओ पति प्रभु धन्यवाद कदम रखा फिर कोई काम बहाल नहीं।
अब जहाँ प्रेम ही निश्चय आ गया फिर कोई काम वहां नहीं, अब छोड़ दे और हट मगर एक के तरी उल्टी चल रही। कन्याओं पर जो जुल्म करे, कन्याओं पर जो जुल्म करे वो वीर नहीं कहलाते हैं, अब लाओ पर जो सितम करे आखिर कर वो पक्ष खाते हैं। छल से बल से और कपट से जो अपना काम चलाते हैं वो कुछ दिन मौज उड़ाते हैं फिर घोर नरक में जाते हैं। और ये क्यों खाक उड़ाती है चल लंका की पटरानी बन कंचन के राज महलों में खुले आम महारानी बन तू जंगल में जीवन गवाती है खुद ऐस की तू जिंदगानी बन। मैं बार बार समझाता हूँ ना दान ना बंदू तू जैसा पामर दूस सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो ईश्वर से लगाना चाहिए, तेरे मेरे का झगड़ा बस यही खत्म कर दीजिए। प्रेम में तो दुरूप हो प्रेम ही कहलाना चाहिए। इस तरह से सुंदरी हीले बहाना छोड़ दे, खाक में यूं सुंदर था अपनी मिटाना छोड़ दे। इस तरह से कामी कपटी डर दिखाना छोड़ दे, पाप के मार्ग पर यूं कदम बढ़ाना छोड़ दे। मैं चाहता उठाकर रख लेता तुझको अपने गुब्बारे में, जबरदस्ती नहीं अच्छी मगर चाहत के लाकर भस्म कर सकती हूँ, जलाकर भस्म कर सकती हूँ अभी अपने किसारे में, मगर मैं साप देती हूँ और रहती हूँ कसारे में। पर अगर मैं तेरे विष्णु और उसके पूरे लोक को जड़ से उठाकर समुद्र में डुबा दूँ फिर तो मुझे अंगीकार करेगी? इधर ना मुंह से निकलेगी उधर खंजर रवा होगा, मैं तेरी चपा दूंगी ना बाकी जब मेरा खुदा होगा। है ताकत कौन सी जिससे मेरा प्रण नाश हो जाए, मुझे अपनी जब बना देना जब मेरी लाश हो जाए। लगता है ये प्रेम से नहीं मानेगी, इसके ऊपर जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। अब मेरे साथ चलेगी या नहीं? अरे ओ दुष्ट, आखिर तो अपने पिछले दो जन्मों का ख्याल कर, तू श्री विष्णु जी की जोड़ी का द्वार पा रहा है। अछूते केश तूने छू लिए, अछूते केश तूने छू लिए, तेरे नपाक हाथों से जलाकर राख करना पड़ा इन्हें अभी मेरे इन हाथों से। जनक के घर दिखाई दूंगी शान की बनकर करूंगी नाश तेरा दुश्मन, शान की बनकर जो होगा देखा जाएगा। कृपया बार बार कहने का मौका न दें, बैठ जाए, व्यवस्था बनाए, सहयोग करें। आप सबकी लीला है, आप सबका कार्यक्रम है, पूरे गांव का सहयोग अति अनिवार्य है। तो मैं निमंत्रित करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन साहब साहब को, कृपया मंच पर आकर के सहयोग करें। मैं आमंत्रित करूंगा पुनित केडिया, मैं सुमित केडिया, श्रीराम मोबाइल गैलरी हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना पूरा सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाइयों के लिए। देखिए हर घर हमारे लगातार 7 सालों से ये हमें सहयोग करते आ रहे हैं, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में राम लक्ष्मण की जोड़ी सुमित और पुनीत केडिया बहुत ही सुंदर श्री राम मोबाइल गैलरी जाने के
की पूरी ड्रेस, हनुमान जी की ड्रेस, पर्दा, हनुमान जी की गदा, अनेक प्रकार का सामान दिल खोल के जितने साहब ने बोल दिया था, जो भी सामान की आवश्यकता हो आप ले आए, और अच्छी क्वालिटी का 63,300 आज ही जितने साहब ने कैश दिए। एक बार जोरदार तालियां बजाते पुणे, बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही में आमंत्रित करूंगा संजय जी जिंदल, सुपुत्र श्री बाबूलाल जी जिंदल, प्रसिद्ध समाजसेवी, कृपया मंच पर आए। और निवेदन करूंगा प्रधान जी से, हमारे वाइस चेयरमैन साहब कोबली साहब से, कि अपने कर कमरों द्वारा सम्मानित करने का कष्ट करें। स्वागत करता है और कपिल जी मिर्जा साहब का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। आइए कृपा शांत रहें। कदे मन ने भी कही के सुनो के कोई तने कौन का बेटा कोई भी
मन बेरा है मेरे ऋषि बाबू जी बताओ आप सब का जय करवा लिया मन रंडा रख दिया मन कितनी बार होगी रुक के मार दी ना रोटी खा ले और रोटी खा ले ठंडी होगी न्यार गेड़िया उठ जा अरे अच्छा आ यो अब मेरा कौन के है यो नहीं यो फैशन के है यो यो के पेर के आगे तो आ दे यो लांसा है लांसा बावली आम ने लांसा बजने तू मैंने कौन बेरे लांसा लांसा के सीधा सूट बेरे गर अपने तो निदारा में सलवार का सूट चुंडड़ी होते हैं करे हम तो वो हर दिन आ रहे मट्टी मट्टी हो रो हेलो मैं घर आ रहा हूँ कि फैशन भी नहीं कर सकूँ मेरे सर फैशन अपना काम को नहीं बावली देख शानी तेरे से बताऊँ तेरे को तो लागे ना अपने समाज या बातचीत आदत बंदे है आपने सीधा साधा सिंपल बना रखा करे जमींदार का काम है अपना देखो ये तो कोई पढ़ी लिखी कोई सर्विस मैन हो ना उनका काम आवा ये मैं तो पढ़ी लिखी थी जमींदार के लिए व्याधि मत नुए मेरा बाप ने फोड़ दिए मेरे तो मैं भी एमए बीएड कर रहा हूँ जमींदार का काम कोई न्याऊ काम कोनी तन मेरा कोनी के देखो दो भी ने बयान हुए अर्था मनी इतना पहली फैशन में रोको ना फैशन कौन करने दी बावड़े देख इतना ही ना पूछ के देखो यार मैं सारी नहीं नहीं आई थी जिन दिन क्या करती फैशन में मैं सारी जानू लेकिन आप यार टाइम नहीं नहीं है नहीं तब मर परेड भी बाउंड कर के तेरे पास समय समय कोनी तब मर आई ना भूज दे तब मर का तो विवाद जानी आजकल है आजकल तो यो लांसा भर गया लांसा बैंडे मंदी खजानी में तो भाई से काम करे ना 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 यार के बाद मैं अपना सिंपल पहले करे और मेरी बात सुनाओ अपना के काम है सुनाओ घना फैसन करे मेरी नारे वो के जमींदार की बहू मैं आई नई नवनी वरदार सिंगार बिना क्यों करे देखो जी आजकल का फैशन है जमाना है यो देख मैं तुम्हारे ऊपर इस बात में मेरी बात सुन सुनाइए Thank you.
सिंगर कह निकलू देखा सारा काम, ओरे पर सिंगर कह निकलू देखा सारा काम। काम ने के दिखाना है बावड़ी ने बता, काम ने दिखाना है सिंगर दिख रहा है सिंगर हो है आदमी का। अच्छा हां काम को की सेवा और उसकी में कॉल करना। एक बात है बोलो, जब मेरी मां ने पत्थर बिठा के मुंह दिखाए तो भोजन नहीं आवे दादी, तो मैं चाहूं गोली मुंह दिखाई आवे अपने ना सावर कड़े को निकल मेरा ना बेटा ना। तो बाबू फिर निशान प्राण पहन ले तो मुंह दिखाना तैयार साथ से अपने मुंह दिखाई आ देगी ना बेटा। समझा समझा बेटा की समझा देख चाची अपना कोई बात करी आजकल पहने हुए तू भी पहन। ओ बेटा उल्टी शिक्षा दे दूंगा अपना भी करवासा है कुने हो रहा है चाचा। और
चाची पर जोरदार ताड़ियां बजा रहे हो भाई। इसी चाची इसी चाची पाओ वाली के धन से दुनिया ढूंढ लिए वाह मेरे काका। अब बेटे मार गए ना मेरे बेटे उधारे। बेटे ने भी ब्याह दी इसी भूल जाते। मकूस हो गया तो ले आती वहां। चालीस साल तो होंगे मैंने सारे लोग है खुश हो गया तो कर देंगे चालीस और कार्ड ले तो आगी। आगी आगी भी ठीक है पार्टी बनानी पड़ेगी हमने तो बुरा सके हाजी वो छोड़ा तो नहीं आया कवा दान की स्कूल में गया था बहुत देर आना चाहिए था एक लाख छोड़िए आना चाहिए था वो आया तो कोई ज्यादा वार करा की है बता घूम गया होगा कि नहीं भूख लागे मेरे बेटे चाली में भूख लागे बेटा तू अपने बाग है और बाग में जाया खाया कि नहीं और आइए तबड़ा अड्डू करिए अपने शेर बगैर बोल बेटा उन्हें और ध्यान करिए तबड़ा आइए ठीक है खाया बेटा बेटा मैं बलदान कह लिया हूँ अपना ठीक है बेटा टेंशन लेने की जरूरत कोई बदल गया
अरे क्या आ जाएगा वो भजड़ा भी है हो रहा हो। महाराज, मैं आप जैसा राजा जिस राजा
अगर मेरे रहते हुए मेरे राज्य का यही हाल है तो मेरे राज्य करने पर दिक्कत।